सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को गुरुवार को जिला प्रशासन ने पुलिस इमदाद के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की। राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाकोठी गुलाबबाड़ी में गुरुवार सुबह राजस्व विभाग और नगर निगम के दल ने अलवरगेट थाना पुलिस के सहयोग से करोड़ों की बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया और अतिक्रमी नेमीचंद भाटी, राजेश यादव और पालड़िया को अतिक्रमण न करने के लिए पाबंद किया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राम कुमार ठाड़ा, एडीए तहसीलदार प्रदीप कुमार सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श बालिका विद्यालय गुलाबबाड़ी राजाकोटी स्कूल के अंदर प्रशासन द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा मुक्त कराया जा रहा है, जिसके अंदर एडीए, रेवेन्यू, नगर निगम तो स्कूल प्रशासन का पूरा कार्य है और इस बेकीमती जमीन को मुक्त कराया जा रहा है चारों साइड से। जेसीबी वगैरह चल रही है, ये स्कूल के बच्चों के हित के लिए मैंने 200-250 गज मैंने मेरी तरफ से इनको अनुदान दिया है और एसडीएम साहब ने, तहसील साहब ने कहा इतना दान दो, उसके बाद में मैं तुम्हारा जो भी ये केस का निपटारा है उसका आमंत्रण मैं कराऊंगा और आपका केस खारिज करवाऊंगा। यार मेरी एक बीघा 2 बीसवा जमीन है। एसडीएम साहब और एडीए के डीसी साहब के निर्देशानुसार सुबह वो पधारे थे दोनों और उन्होंने जो स्कूल की जो बाउंड्री बन रही है इसका सीमांकन करके, जो क्योंकि पूरी जमीन एडीए का नाम है तो एडीए के भी अधिकारी आए और सीमांकन संयुक्त टीम से करवा के और ये बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवाया। पुष्कर के अजमेर चुंगी नाके से गुरुद्वारा मार्ग तक सड़क के दोनों ओर निर्माणाधीन फुटपाथ के बीच आने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए गुरुवार से नगरपालिका ने अभियान शुरू किया। पालिका ने फुटपाथ के निर्माण में आने वाले सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर मार्ग दुरुस्त किया। सड़क के दोनों ओर लगे होर्डिंग्स, दुकानों, रेस्टोरेंट्स और होटल सहित मकानों के बाहर बनी पक्की चबूतरियों, ठेलों और केबिनों को हटाने की कार्रवाई की गई। पालिका के सफाई निरीक्षक फतेह सिंह गौड़ ने बताया कि एडीए और पालिका ने फुटपाथ के निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को चिन्हित किया था, जिसे स्थानीय लोगों की सहमति से हटाया जा रहा है। कल नगर पालिका और एडीए ने मिलकर जो फुटपाथ निर्माण में जो बाधा बन रहे थे अतिक्रमण, उनको चिन्हित किया था। आज नगर पालिका ने उनको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और ये फुटपाथ अजमेर चुंगी नाके से आगे से लेके और गुरुद्वारे तक का फुटपाथ है, इससे सुंदरता बढ़ जाएगी। क्या क्या अवरोधक आ रहे हैं? अवरोधक है, किसी ने अपना अतिक्रमण कर रखा, किसी ने चबूतरे बना रही है, किसी ने दुकानें लगा रखी है, किसी ने कोई थैले खड़े करा रहे हैं। पालिका अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए हटा रही है आज इनको।